आज हम जिस लेखिका की चर्चा इस वीडियो लेसन में करने जा रहे हैं उनका नाम है रज़िया सज्जाद ज़हीर। रज़िया सज्जाद ज़हीर का जन्म 15 फरवरी को सन 1917 अजमेर में हुआ, अजमेर राजस्थान। मुख्य रचनाएं की हैं जर्द गुलाब, उर्दू कहानी संग्रह इन्होंने लिखा था जिसका क्या शीर्षक दिया, जर्द गुलाब। सम्मान इन्हें कौन कौन से मिले हैं तो देखिए, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड, इन सब पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया है। निधन कब हुआ इनका, 18 दिसंबर सन 1989। उसके बाद ये क्या लिखती हैं, हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है। मतलब जितनी दृढ़ता हमारे अंदर रहेगी वही हमारी ताकत बनती है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। अर्थात अब जितना लेखन कार्य होता रहेगा उतना ही व्यक्ति का नाम भी होगा। रज़िया सज्जाद ज़हीर मूलतः उर्दू की कथाकार हैं, उन्होंने उर्दू में ही अपना पूरा रचना संसार किया है, अपना पूरा कार्य किया है। उन्होंने BA तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब वे अजमेर से लखनऊ आ गई और वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी कहानी और उपन्यास दोनों उन्होंने लिखे हैं, कहानियाँ लिखी और उपन्यास भी उन्होंने लिखे। उर्दू में उन्होंने क्या लिखा, बाल साहित्य की भी रचना की। मौलिक सृजन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं। ठीक है, अन्य भाषाओं को लेकर उन्होंने उर्दू में लिखा, उर्दू में नई नई पुस्तकें छापी जिससे लोग उनसे उर्दू पढ़ने और बोलने वाले उसे लाभान्वित हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको उसका लाभ प्राप्त हो जाए। रज़िया जी की भाषा सहज सरल और मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियाँ देवनागरी में लिपि यांत्रित मतलब अनुवादित ट्रांसलेट की गई हैं। रज़िया सज्जाद ज़हीर कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है उनकी रचनाओं में। क्या मिलता है कहानियों में, समाज के प्रति एक सद्भाव की भावना, धर्म तौर पर सहिष्णुता। ठीक है, जो आजकल सहिष्णुता की बात की जा सक बहुत उठी थी बीच में, इनटॉलरेंस या टॉलरेंस, वही सहिष्णुता। ठीक है, तो वो कहती हैं धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में जो बदलते हुए पारिवारिक मूल्य हैं आज के। मतलब जैसे आपने क्या पढ़ा था, सिल्वर वेडिंग, उसमें क्या था, बदलते हुए पारिवारिक मूल्य, किस तरह से पिता की बातों से बच्चे मतलब उस बातों को बेमानी समझते हैं, पिता को लगता है बच्चे जो हैं अपने अनुसार चल रहे हैं, उन्हें किसी का भी ख्याल नहीं है, वो सारे के सारे अपनी चीज़ों से भटक गए हैं, अपनी राह से भटक रहे हैं, पिता को इस तरह की अनुभूति होती है और बच्चे अल पिता के विचारों से मिल नहीं खाते, ना पिता बच्चों के विचारों को सही समझते हैं, एक तरह का टकराव है और वो जो मूल्य हैं वह टूट रहे हैं। तो यहाँ वह मानवीय मूल्यों का सहज सामंजस्य को उनकी कहानियों की मतलब दिखाया गया। उनकी कहानियों की प्रमुख विशेषता ये कह सकते हैं कि मानवीय मूल्य क्या हैं,
प्रेम, करुणा, ममता, दया, सहानुभूति, ये मूल्य हैं, ये कह सकते हैं अच्छाइयाँ हैं मानव जीवन की, जो मानव को और अधिक मानवीय बनाती हैं, उसके अंदर मानवीय गुणों का विकास करती हैं। तो यही सब विशेषता जो हैं उनकी कह सकते हैं कहानियों में प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। ठीक है बच्चे, तो अब कल हम इनकी रचित कहानी पर चर्चा करेंगे।